स्टूडेंट्स ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग पर्सनल सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक वी मस्ट नो दैट न्यूमरेस ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल फॉर बोथ प्रैक्टिस एंड प्रोस्पेक्टिव सेफ्टी एंड हेल्थ अगर इस चीज को देखा जाए तो जो ट्रेनिंग है ये मुख्तफ जगहों पर अवेलेबल है जैसा कि ट्रेनिंग इज अवेलेबल टू कॉलेज यूनिवर्सिटीज एंड टेक्निकल स्कूल एज़ वेल एज फ्राम द फॉलोइंग ऑर्गनाइजेशन मैंने आपको बताया था डी ए स्टूडेंट्स कि हमारा ज़्यादातर मटीरियल इस बुक का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है क्योंकि ये बुक वहाँ की पब्लिश है लेकिन किसी भी कंट्री में चाहे वो पाकिस्तान है या कोई और डवेल्पिंग नेशन है या डिवेल्प नेशन है हमें सबको मालूम है कि ट्रेनिंग स्कूल में हो सकती है कॉलेज़ में हो सकती है यूनिवर्सिटीज़ में हो सकती है टेक्निकल कॉलेज में हो सकती है लेकिन उनके अलावा ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्रेनिंग के मेड्यूल मैनुअल्स डेवलप करती हैं पहली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और बहुत ज़्यादा ब्रॉडली बहुत ज़्यादा प्रॉपर स्पेक्ट्रम के अंदर ब्रॉडवे के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस को इंडस्ट्रीज़ को ये लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं नंबर टू नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ये ऑर्गेनाइजेशन आती है जितनी भी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है ये ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को ट्रेन करने के लिए इंजीनियर्स को ट्रेन करने के लिए मैनेजर्स को ट्रेन करने के लिए हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए या वो एम्प्लॉज़ जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के साथ किसी तरह भी अटैच हैं उनको ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा अपने सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं थर्ड माइंड सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एम एस एच ए माइंड सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल सेफ्टी काउंसिल ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम डियर स्टूडेंट्स हमने लिखे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव इन डिटेल और बेहतरीन मैनुअल बना के डिवेलप करके और जो इनके स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इलिट्रेसी एंड सेफ्टी इन दो चीज़ों का बहुत गहरा तलक है हमें मालूम है कि लिटरेसी किस चीज़ को जानने को कहते हैं नॉलेज को कहते हैं तालीम को कहते हैं इलिट्रेसी उसके अपोजिट है जहात को कहते हैं इलेट्रेसी एंड सेफ्टी जिन ऑर्गनाइजेशन में इलिट्रेसी ज़्यादा है एलिट्रेसी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय लिखना पढ़ना जानते नहीं हैं इलेट्रेसी का यहाँ इस कंसेप्ट में ये मतलब है कि जो एस हमने बनाए हुए थे उनको वो नहीं जानते दे आर इलिटरेट रिगार्डिंग द एस ओ पीज़ विच हैव एंड मोस्ट ऑफ द आर्गेनाइजेश डोंट नो अबाउट दोज एस ओ पीज़ उनको हम इलिटरेट कह रहे हैं इलिटरेसी एंड सेफ्टी का क्या तल्लक है डी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दो पैराग्राफ आपके लिए मैंने टाइप किए हैं उन तो दोनों में हम देखते हैं इलिट्रेसी और सेफ्टी का क्या लिंक बनता है एलिट्रेसी इज़ द ब्रॉड डेस्ट सेंस इज द इन अबिलिटी टू रीड इन अबिलिटी टू रीड राइट कंप्यूट सॉल्व प्रॉब्लम एंड कम्युनिकेट ये एक ब्रॉडर डेफिनेशन है वो लोग जो लिखना पढ़ना जमा तफरीक करना प्रॉब्लम सॉल्व करना दूसरे लोगों को कम्युनिकेट करना नहीं जानते उनको हम क्या कहते हैं इलिटरेट कहते हैं फंक्शनली इलिटरेट जो मैं पहले आपको बयान कह रहा था फंक्शनली इलिटरेट पीपल रीड एट द फोर्थ ग्रेड लेवल और बिलो मार्जिनली लिटरेट पीपल रीड एट द फिफ्थ थ्रू एट ग्रेड लेवल अब इलिटरेट और लिटरेट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ ये बनी फोर्थ ग्रेड से नीचे जो बंदा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं फंक्शनली इलिटरेट पर फोर्थ से लेके एट ग्रेड तक जो बच्चा है आदमी है एम्प्लाई है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मार्जिनली लिटरेट फंक्शनली लिटरेट पीपल रीड एट द नाइन्थ ग्रेड लेवल अबव फंक्शनली लिटरेट अब फंक्शनली इलिटरेट की बात नहीं हो रही अब बात हो रही है फंक्शनली लिटरेट वो लोग जो पढ़े लिखे हैं वो लोग स्पेसिफिकली नाइन्थ ग्रेड या उससे अबव पढ़े होते हैं उनको फंक्शनली लिटरेट बोलते हैं दिस इज़ द लिटरेसी कॉन्टीन्यूम एज इट इज़ नाउ एग्जिस्ट हाउ एवर टेक्नोलॉजिकल डिवेलपमेंट्स आर हैविंग द इफेक्ट्स ऑफ शिफ्टिंग दिज लेवल अपनी अब ये जितनी भी चीज़ें मैंने डी स्टूडेंट्स जहाँ पर आपके लिए लिखी हैं ट्राइब की हैं इनका एक मकसद है इनका ये मकसद है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो माइनिंग की हो इंडस्ट्री हो टेक्सटाइल सीम कंस्ट्रक्शन कोई भी इंडस्ट्री हो वहाँ पर इस बात का जानना लाजम है तो अगर इम्प्लाई लिटरेट है तो वो चीज़ों को पिक जल्दी कर लेगा एक इम्प्लाई इलिटरेट है उसके अंदर पिकिंग पावर वो नहीं होगी कि जो एक लिटरेट इम्प्लाई के अंदर होगी इसलिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो लिटरेसी का होना बहुत लाजम है अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अपने डिजायर रिजल्ट उस वक्त तक अचीव नहीं कर सकेंगे जब तक आप लिटरेट नहीं होंगे अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सम टाइम वी हैव सीन सम illiterate पीपल आर मोर wealthy than द लिटरेट पीपल यस हमें मालूम है अब इलिट्रेसी का मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है कि वो इंटेलेक्चुअल अबिलिटी का यूज नहीं कर रहे जो बंदा इंटेलेक्चुअल अबिलिटी का यूज कर रहा है उसके रिजल्ट मुख्तलफ होंगे और जो बंदा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का यूज नहीं कर रहा उसके रिजल्ट डिफरेंट होंगे इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज ट्रेनिंग इशूज ये चीज अक्सर देखी गई है डू य मैं आपको यहाँ पे ये पहला पैराग्राफ चाहता हूँ कि एक दफ़ा बताऊँ मैं आपको जो आपके लिए हमने ट्राइप किया है इसको तवज्जो से आप देखें टू एंजॉय द गेन्स दैट कम विद अ सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस हैव एम्प्लॉइज हु ईदर स्पीक ओनली लिमिटेड इंग्लिश और फॉर होम इंग्लिश इज अ सेकेंड सेफ्टी एंड हेल्थ ट्रेनिंग टू हंड्रेड सेवेंटी वन लैंग्वेज

फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनाइटेड किंगडम स्विट्ज़रलैंड फ्रांस मलेशिया सऊदी अरेबिया यह मुझे जाने का इतफाक़ हुआ अब इन कंट्रीज़ की अपनी अपनी लैंग्वेज़ भी हैं और आपको ये स्टूडेंट्स मालूम है कि फॉर एग्जाम्पल चाइना है मलेशिया है जापान है या बंग्लादेश है या इसके अलावा और भी जो डिवेल्प नेशनस हैं या अंडर डेवलपिंग में भी कुछ कंट्रीज़ के नाम मैं ले रहा था इन सब की अपनी लैंग्वेज़ हैं अब लैंग्वेज बेरियर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्गनाइजेशन के अंदर आपने इस बात को इंश्योर करना है कि जो वर्क प्लेस है जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे जो साइन बोर्ड हैं एस हैं वो उस लैंग्वेज में हों जो कि उस बंदे की नेटिव लैंग्वेज है या वो बंदा जिस लैंग्वेज को समझता है या वर्कर जिसको देख के फेमिलियर हो जाता है कि आई नो दिस लैंग्वेज अगर आप किसी और लैंग्वेज में ये तमाम साइन बोर्ड बिल बोर्ड होर्डिंग पम्फलेट यूज़ करेंगे जो कि उस एम्प्लॉई के नेगेटिव, उस एम्प्लॉय के रेलिवेंट नहीं है तो उन तमाम साइन बोर्ड्स का जो मीनिंगफुल इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल देयर इज लिटिल क्वेश्चन दैट आर लैंग्वेज बैरियर्स कैन मैग्नीफाई द पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज इन वर्क प्लेस जो मैं आपको बता रहा था अक्सर ये देखा गया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है वहाँ पे मीनिंगफुल वे में आप उनके डिजायर रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते और बाद ये देखा गया है कि वहाँ पे एक्सीडेंट्स की रेशो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लैंग्वेज वो यूज़ की गई जो कि इंप्लाई अपनी लैंग्वेज से फेमिलियर थे तो इससे एक मैसेज ये मिलता है इंग्लिश ओके इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन इट मे बी फर्स्ट लैंग्वेज क्वेश्चन ये है कि जो लैंग्वेज इम्प्लाई के लिए समझने में प्रॉब्लमेटिक है वो लैंग्वेज वर्क प्लेस पर हम यूज़ नहीं करेंगे अगर इम्प्लाई उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं समझते हैं फेमिलियर हैं ईजीली पिक कर रहे हैं उस लैंग्वेज में हम उनको इंस्ट्रक्शन देंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर गोल अचीव किए जा सकें